किसी भी कंपनी में यदि आपको डेटा एंट्री करने को कहा जाए और टारगेट है कि आपको अटेंडेंस के बिहाफ पर सैलरी डिफाइन करनी है, तो कैसे चढ़ाएंगे? सीरियल नंबर वन नेम, हम किसी आदित्य की सैलरी निकालने वाले हैं जिसका एड्रेस हम फिल करेंगे, उसकी फैकल्टी देंगे हम, वो क्या फैकल्टी में है और कौन से मंथ की हम निकालने वाले सैलरी। अब जिस दिन वो आया है उसको प्रेजेंट संडे का संडे, और जिस दिन वो नहीं आया एब्सेंट, इस तरह से पूरा फिलअप करेंगे, क्योंकि अप्रैल का महीना था तो 30 तक हमने फिलअप कर लिया। टोटल डेज में 30 आएगा, प्रेजेंट हम निकालेंगे उसकी इक्वल के साथ, काउंट इफ के साथ, और एक तारीख से 1 से 30 तक उसे कंप्लीटली करेंगे हम सेलेक्ट, 1 से 30 तक, सिंगल कॉमा डबल कॉमा, प्रेजेंट के लिए पी, डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज, 22 प्रेजेंट है बंदे की। एब्सेंट यदि हमें निकालनी है इक्वल के साथ, काउंट इफ का फॉर्मूला ही यूज करना है हमें, और एक तारीख से सेलेक्ट करना है हमें 30 तक, सिंगल कॉमा डबल कॉमा एब्सेंट के लिए हम ए यूज करेंगे, तो एब्सेंट रही बंदे की 4। अब इक्वल के साथ वर्किंग डेज के लिए टोटल से माइनस करेंगे एब्सेंट को, तो 26 एब्सेंट रही उसकी पूरे महीने में, 26 प्रेजेंट, 26 दिन वो काम पे आया तो 26 दिन उसकी सैलरी देनी है, जिसमें 22 प्रेजेंट थी और 4 ऐड हुए हैं संडे, 26 दिन की सैलरी हम उसे 28,500 रुपए पे करने हैं, तो इक्वल के साथ, क्योंकि उसकी मैनेजर की पोस्ट थी, बेसिक सैलरी 28,500 का 5% हम निकालेंगे HRA, तो ये हमें निकालना है इक्वल के साथ 28,500 का 4%, यानी ट्रेवलिंग अमाउंट पर डे 28,500 को डिवाइड करेंगे, ये 26 दिन की सैलरी थी उसकी, तो एक दिन का 1,096 रुपए उसे मिल रहा था। पर आवर के लिए हम पर डे को 8 घंटे की ड्यूटी थी, इसलिए 8 से 10 घंटे की, तो 10 से डिवाइड करेंगे। ग्रॉस सैलरी में हम ऐड करेंगे बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस TA, तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि तीनों यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल 31,065 रुपए उसे दिए जा रहे हैं। PF के लिए हम 31,065 का 12% प्रॉफिट फंड निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हॉलीडे मनी निकालेंगे, तो इक्वल के साथ एक दिन का मिल रहा था उसे 1,096 पर डे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी छुट्टी रही 4, एब्सेंट रही 4, तो उसका पैसा कटेगा 4384 रुपए। पूरे महीने में 52 घंटे का ओवरटाइम दिया बंदे ने, तो इक्वल के साथ 52 घंटे की मल्टीप्लाई करेंगे, पर आवर से 137 रुपए घंटे के मिल रहे थे, तो टोटल 7,125 ओवरटाइम के मिलेंगे। सिक्योरिटी निकालेंगे हम यहाँ पर बेसिक सैलरी से 2% ESIC यानी कि सिक्योरिटी, तो 570 रुपए सिक्योरिटी कटेंगे। एडवांस अपना अपनी तरफ से रखिए जितने उसने एडवांस ले लिए, और फाइनल सैलरी के लिए इक्वल के साथ ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे PF को, क्योंकि PF कटता है, माइनस हॉलीडे मनी प्लस ओवरटाइम मनी, क्योंकि ओवरटाइम हमें मिलेगा, माइनस सिक्योरिटी जो पैसा कट गया और माइनस एडवांस जो उसने पहले लिया, कट पिट के फाइनल सैलरी 26,507 रुपए आई। ये अटेंडेंस के बिहाफ पर तैयार होने वाली सैलरी सीट है।